बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली बीजेपी के प्रभारी श्याम जाजू इस वक्त मेरे साथ हैं। जाजू जी, बहुत मुबारकबाद, आपको बड़ी जीत मिली है और हैट्रिक लगाई है आपने। जी, निश्चित रूप से चुनाव के पहले ही हमें विश्वास था। दिल्ली की जनता वर्तमान सरकार से नाराज थी, निराश थी और कांग्रेस को पहले ही नकार चुकी थी। एकमात्र सशक्त और समर्थ विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी और लोगों ने हम पर जो विश्वास जताया है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, ये सब काम आई। नतीजे पूरी तरह से आ भी नहीं पाए थे और आम आदमी पार्टी के नेता फिर से ईवीएम का राग अलापने लगे। उन्होंने कहा ये ईवीएम लहर की जीत है। अपने हार का ठीकरा किसी पर फोड़ने के लिए राजनेता को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। जब 70 में से 67 सीटें जीतते हैं तो ईवीएम मशीन ठीक है, और जब गोवा में खाता नहीं खुलता, पंजाब में अपेक्षित यश नहीं मिलता और दिल्ली में 3 नंबर की पार्टी बन के रह जाते हैं, राजौरी गार्डन में जमानत जब्त होती है, तब ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। दिल्ली की जनता झूठ ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है, अब तो भी उनको विचारपूर्वक बोलना चाहिए। आप जीते हैं लेकिन 10 साल पहले एमसीडी में थे, कैसे देखते हैं आगे, कितनी बड़ी चुनौती है कामकाज के स्तर पर, क्योंकि जब जीत सर बड़ी होती है तो जनता की उम्मीदें भी बहुत बड़ी होती हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व दिल्ली में होता है। दिल्ली को एक इंटरनेशनल सिटी बनाने का सपना नरेंद्र मोदी जी का है। इसमें जो भी योगदान निगम को करना पड़ेगा, हमारे पार्षद निश्चित रूप से करेंगे और दिल्ली को एक दिल्ली के सामने जो समस्या है उसको राहत देकर दिल्ली को आगे बढ़ाने में हम महत्वपूर्ण हमारा योगदान करेंगे। किसी भी विकास की दिशा में जब आप आगे बढ़ते हैं तो सबका सहयोग मिले, अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं आपकी जो चुनाव हुआ उसके बाद अब केजरीवाल की पार्टी के जो पार्षद जीते हैं वो सहयोग देंगे या आप उनको साथ लाने की सहयोग लेने की कोशिश करेंगे? हाँ, मोदी जी ने एक मंत्र दिया है जो पार्टी के लिए भी एप्लीकेबल है और सरकार के लिए भी एप्लीकेबल है, सबका साथ सबका विकास। इस मंत्र पर हमारा भरोसा है। विकास के काम में सबको साथ लेकर चलना या आवश्यकता होती है, सभी पार्टियों को ये सीख लेनी चाहिए। केजरीवाल जी को क्या सलाह देना चाहें, कोई मशवरा देंगे? केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने सलाह दे दी है और उनका निर्णय भी दे दिया है। अब उनको सोचना है कि जिस दिल्ली ने 51% वोट 70 में से 67 सीटें देकर जिताया था, वो दिल्ली ने उनको क्यों नकारा है, ये उनको सोचने की बात। एक आखिरी सवाल आपसे, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, एमसीडी चुनाव में हालांकि वो हारे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप मानते हैं कि कमबैक किया उन्होंने दिल्ली की राजनीति में? दिल्ली को, कांग्रेस को पूरे देश ने नकारा है। एक टाइम सर्वे सर्वा होने वाली और सभी राज्यों में रूल करने वाली कांग्रेस पार्टी आज 3 नंबर पर है, दिल्ली में भी वो स्थिति है। इसको अगर वो वापसी मानेंगे और इम्प्रूवमेंट मानेंगे तो वो जरूर माने, पूरे देश दिल्ली को, कांग्रेस को नकार चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो श्याम जाजू जी का कहना है कि बीजेपी को जो जीत मिली है, बीजेपी आगे आने वाले दिनों में बेहतर काम करेगी, दिल्ली को बेहतर बनाएगी। कैमरामैन राजू के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।